बालक समस्या बड़ा लेकिन comedy वीडियो कैसे फ्रेंड्स बहुत से लोग चाहते हैं कि हम भी कॉमेडी वीडियो बनाएं और लाखों रुपया घर बैठे आराम से कमाए तो कमा सकते हैं बना भी सकते हैं शूट कैसे करना है साउंड को कैसे रिकॉर्ड करना है एडिट कैसे करना है सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं फ्रेंड्स बहुत से लोगों की ये कन्फ्यूजन रहती है कि जो साउंड रिकॉर्ड होता है कैसे होता है तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके में एक्सप्लेन किया हूँ इस वीडियो में तो फ्रेंड्स इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिए चलिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलते हैं वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली हम आपको बताते हैं ठीक है सो so, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं यहाँ पे आने के बाद से फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रिकॉर्ड कैसे करना है और साउंड को रिकॉर्ड कैसे करना है और फिर उसके बाद से बताने हैं कि आप अपने रिकॉर्ड की वीडियो को कैसे एडिट करेंगे और आपकी कॉमेडी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा अपलोडिंग के लिए ठीक है तो इस वीडियो को स्किप मत करना मेरे भाई चलिए हम आपको प्रोसेस अब बताते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स मैं अपने गैलरी में आ जाता हूँ यहाँ पे ठीक है यहां पर मैं गैलरी में आ जाता हूँ ताकि आपकी आपको इजी से बता सकूं आसान तरीके से बता सकूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए क्योंकि बहुत से लोगों की कमेंट आ रही है कि सर कोई आसान तरीका बताइए कैसे हम अपनी साउंड को रिकॉर्ड करें कॉमेडी वीडियो में जो भी साउंड होता है कैसे रिकॉर्ड करें वो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है और कमेंट करते रहते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ और फिर इसको देखने के बाद से आपकी कॉमेडी वीडियो हंड्रेड बनने लगेगी ठीक है तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो भी कॉमेडी करना है आपको एक स्क्रिप्ट छोटा मोटा से स्टार्टिंग करना है बड़ा नहीं करना है ये नहीं कि आपने एक दस मिनट की एक वीडियो की स्क्रिप्ट बना ली और फिर पता चला कि आपने वीडियो शूट करना गलती कर दी शूट ही नहीं हो पा रहा है बार बार गलती हो जा रहा है ये गलती हो ही जाती है और होता ही रहेगा तो कैसे ठीक करना है सबसे पहले आपको छोटा सा स्क्रिप्ट लिखना है एक मिनट डेढ़ मिनट की छोटा सा स्क्रिप्ट लिखना है उसी पे काम करना है जितने भी लोग हैं आप आपस में ही मिल बताइए बोल लीजिए बात कर लीजिए कि देखो फ्रेंड्स हम लोग एक कॉमेडी वीडियो बनाने वाले हैं और हम लोग इसमें ये शब्द हम बोलेंगे आपको ये शब्द बोलना है इस भाई को ये शब्द बोलना है उस भाई को ये शब्द बोलना है मतलब इसी तरह मिल आप लोग बात कर लीजिए और जिनका जो रोल है उनको रिकॉर्ड करते जाना है अब कैसे रिकॉर्ड करना है वो हम आपको बता देते हैं ठीक है सबसे पहले फ्रेंड्स मैं मैंने भी सेम प्रोसेस वहीं अप्लाई किया एक छोटा मोटा स्क्रिप्ट बनाया और उसी स्क्रिप्ट पे हम सब ने मिल समझा किस तरीके से किसको बोलना है ठीक है ये प्रोसेस को फॉलो कर लिया उसके बाद से हम लोग रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया रिकॉर्ड करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग बोया का जो माइक होता है बोया का माइक वायर वाला माइक उसी माइक को यूज़ किए हैं हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी बताएंगे कैसे यूज़ किया हूँ किस तरीके से रिकॉर्डिंग किया हूँ ठीक है सो फोन से ही रिकॉर्डिंग किया हूँ ठीक है अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पहले तो मैं जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था कि बाबा लव गुरु बाबा टंटनावा लव गुरु ये हमारा टॉपिक था और इसी पे हम लोगों ने वीडियो को रिकॉर्ड किया बनाया पूरा एंड किया ठीक है चलिए हम आपको प्रोसेस बताते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो मेरा फर्स्ट क्लिप है ये है मतलब कोई लड़का है ठीक है कोई लड़का है उस लड़के का मतलब कोई गर्लफ्रेंड नहीं है वो चाहता है कि कोई गर्लफ्रेंड बना ले तो वो एक बाबा के पास जाता है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कोई मंत्र वंत्र पूछना जैसे हम लोग फनी बनाए तो फनी में वैसे ही मजाकिया टाइप का बनाया हैं तो मान लीजिए वो बाबा के पास गया और बाबा को भी हम लोगों ने एक रोल दिया था तो बाबा के पास जाता है और फिर वो बाबा से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूसन पूछा एक बाबा हम मतलब गर्लफ्रेंड कैसे बनाए कोई मतलब तरीका बताइए कैसे बनाएं कोई हमसे गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं पा रहा है यही कहानी है इस कॉमेडी वीडियो में ठीक है तो चलिए अब हम आपको बताते हैं स्टार्टिंग यहाँ से होता है जैसे कि वो लड़का यहाँ से आ रहा है अपने घर से ठीक है बाबा के पास जाने के लिए उनसे कुछ पूछने तो ये क्लिप मैंने कुछ इस तरीके से पहला रिकॉर्ड किया ठीक है अब ये फ्रंट से मैंने रिकॉर्ड किया आगे से मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया देख सकते हैं फिर उसके बाद से फ्रेंड्स मैंने दूसरा क्लिप कुछ इस तरीके से पीछे से रिकॉर्ड किया ठीक है यहाँ पे दूसरा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया अब तीसरा क्लिप जो है फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरीके से पास से क्लोजअप शॉट एक लिया इस तरीके से कि वो बंदा साइकिल अपना कहाँ खड़ा कर रहा है वहाँ का सीन यहाँ तक रिकॉर्ड किया फिर इसके बाद से जब ये बंदा अपना साइकिल से उतर के खड़ा कर रहा है वो सीन मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया कुछ इस तरीके से कुछ यानी आगे के एंगल से मैंने शूट किया ठीक है उसके बाद से मैंने कुछ क्लोज जो शॉट होता है फ्रेंड दूर से लिया ये वाला शॉट तो गलत हो गया था इस शॉट को हमने नहीं लिया ये वाला शॉट हमने लिया दूर से मैंने जिधर आना था उस बंदे को उस साइड से जाके मैंने इस देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसे शूट किया उसके बाद से फ्रेंड्स मैंने जो अगला क्लिप है अब इसको पीछे से शूट किया यानी बंदा तो आगे आ रहा है आगे से मैंने शूट किया अब किधर जा रहा है वहाँ का लोकेशन दिखा के मैंने पीछे से शूट कर लिया ठीक है उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जब ये बंदा पास में आ गया जहाँ जाना था बाबा के पास वहाँ पास में पहुँच गया तो वहाँ का सीन थोड़ा सा फ्रंट से लिया और फिर बैक से भी मैंने कुछ इस तरीके से बाबा के सामने जब बैठे मतलब आशीर्वाद भी मांगता है या गोड़ लगता है बाबा का पाव लगता है तो वहाँ पर मैंने ये सीन रिकॉर्ड कर लिया ताकि लोगों को लगे कि हाँ बाबा के पास जा रहा है बाबा का पैर छू रहा है ठीक है इस तरीके से उसके बाद से मैंने कुछ इस तरीके से फ्रंट से लिया ताकि सामने लगे कि हाँ बाबा से ही वो मतलब बाबा को ही प्रणाम कर रहा है ठीक है तो इस तरीके से मैंने बाबा के पीछे से यानी बाबा जो है बाबा के पीछे से क्लोज अप शॉट जाके उनके पास से कुछ इस तरीके से लिया कि दोनों लोग कवर हो जाए ठीक है ये वाला प्रोसेस मैंने किया इसके बाद से फ्रेंड्स जो अगला स्टेप था ये जो बालक है बाबा बाबा से तो मतलब बा, बाबा का पाँव लगे तो बाबा ने उनको कहा खूँस रहो तो ये वाला शॉट मैंने कुछ इस तरीके से लिया ठीक है अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये शॉट है कुछ दूसरे एंगल से लिया मतलब साइड से ऐसे लगे कि हाँ सभी लोग यहाँ पे दो और बाबा साइड में बैठे हुए हैं तो इनका भी शॉट लेना था इसमें तो मैंने दूर से लिया और माइक यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कैसे यूज कराऊँ ये बता देता हूँ देखिए फ्रेंड्स ये मेरा वायर वाला माइक था जो लगभग 10 15 मीटर का वायर था उसमें बोया माइक का ठीक है तो वायर को जिसको भी बोलना था ठीक है तो उस माइक को कॉलर के पास उसके लगा देते थे ठीक है कॉलर में और वायर को मैं दूर तक लेकर चले जाता था जहाँ तक मोबाइल से मुझे सूट करना था वहाँ तक ठीक है और सभी को एक एक करके सभी के जिनको बोलना था उनके पास कॉलर पे लगा देते थे माइक को ठीक है इसी तरीके से करके फ्रेंड्स ये वाला सूट भी लिया और यहाँ पे फिर इस एंगल से मैंने लिया मतलब जब बाबा की बोलने की बारी थी तो बाबा का सीन लिया जब बालक का बोलने का सीन था तो बालक का कुछ इस तरीके से सीन लिया और जब फिर बाबा का सीन था तो कुछ इस तरीके से लिया ऐसा लगे कि हाँ मतलब कुछ है यूनिक है इस तरीके से लगे कि हाँ ये वीडियो है लगे कि हाँ ये इसमें कुछ कर किया जा रहा है ऐसा लगे फील एक आना चाहिए तो उसी तरीके से आपको हर एक एंगल से ये नहीं कि आप एक ही एंगल से वीडियो को शूट करें दो लोग आ रहे हैं कैप्चर में और दो लोग आ ही नहीं रहे हैं तो वीडियो कोई नहीं देखेगा मजा ही नहीं आएगा तो हर एक एंगल से हर साइड से आपको क्लिप रिकॉर्ड करना है देखिए यहाँ पे भी मैंने कुछ अलग एंगल से लिया ठीक है ये अगला क्लिप है फिर इसके बाद वा आगे वाला कुछ इस एंगल से मैंने इस क्लिप को शूट किया ठीक है ऐसा लगे कि हाँ बाबा कुछ समझा रहे हैं बता रहे हैं बालक को ठीक है फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरीके से एक मतलब पेड़ पौधे थे वो उसके साइड से लिया ताकि लगे कि हाँ नेचुरल जगह पे बैठ के वो अपना बगीचे बगीचे में अपना काम कर रहे हैं अपना मंत्र तंत्र जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं ठीक है तो वो वाला सीन ले लिया उसके बाद फ्रेंड्स मैंने कुछ पास से बाबा का क्लोजअप सीन लिया बात करते हुए ठीक है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चेला है उनको कुछ वो मतलब देते हैं समझाते हैं कि हाँ ये लीजिए भभूत लीजिए और इसको आप यूज कीजिएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से बाबा बोल रहे हैं तो वो शॉर्ट कुछ इस तरीके से लिया फिर इसके बाद से यहाँ से कुछ इस तरीके से लिया और उसके बाद फ्रेंड्स जब बाबा हाथ पकड़ते हैं उसके बाद उसके हाथ में कुछ देते हैं या उसके हाथ को रेखा जो हाथ की रेखा होती है उसको देखते हैं ठीक है तो ये वाला सीन लिया फिर उसके बाद से कुछ इस तरीके का शोटता तो ये वाला मैंने कुछ इस तरीके से चल के भी शूट करना है ताकि लोगों को एक फील आना चाहिए ये नहीं कि एक जगह बैठ गए वहीं से सिर्फ शूट करते रहे चलते हुए भी शूट कीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे ठीक है फिर आगे वाला क्लिप ये है फ्रेंड ठीक है ऐसे करके फ्रेंड्स हम सभी क्लिप को यानी हमारा लगभग पचास साठ क्लिप था और वीडियो मात्र तीन मिनट के ही एक चार मिनट के लगभग हाँ तीन मिनट के ही लगभग हमारा वीडियो बना था पचास साठ क्लिप रिकॉर्ड करना पड़ा था ठीक है यहाँ पे सारा क्लिप मैंने कुछ इस तरीके से देख सकते हैं फ़ोन की कुछ रिकॉर्डिंग था तो कैसे करना था तो बाबा के पास से मैंने कुछ इस तरीके से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया देखिए बाबा पहले फ़ोन निकालते हैं ठीक है अपने पॉकेट से और उसके बाद से फ़ोन निकालते हैं तो फ़ोन किसी को करेंगे ठीक है तो मैंने क्या किया जब फ़ोन डायल करते हैं नंबर तो वो वाला सीन रिकॉर्ड किया ठीक है ऐसा लगे कि हाँ डायल कर रहे हैं किसी को ठीक है अब इसके बाद से फ़ोन को कान पे शर्ट यानी कान के पास ले जाते हैं ताकि लगे कि हाँ फ़ोन कर रहे हैं अब मैंने जिनके पास वो फ़ोन कर रहे थे उनका शूट मैंने लिया यहाँ पर देखिए इन्हीं के पास बाबा फ़ोन कर रहे थे चेला का सीन कुछ इस तरीके से शूट किया फ्रेंड ठीक है अब इसके बाद से चेला भी का कुछ अलग अलग एंगल से मैंने शॉट लिया ऐसा लगे कि हाँ ये चेला जो है अपने बाबा से बात कर रहा है फिर इधर से कुछ शॉट लिया फिर आगे से कुछ इस तरीके से बाबा से बात करते हुए क्या बाबा बोल रहे हैं फिर चेला के पास जाते हैं कि चेला क्या अब रिप्लाई दे रहा है मतलब दोनों लोगों का सीन आ... एक एक करके क्लिप हमें शूट करता गया यानी किसका बारी है उसका रिकॉर्ड करना है बाबा उसके बाद क्या बोलने वाले हैं उसके बाद चेला क्या बोलने वाला सभी का एक एक क्लिप मैंने शूट करता गया फिर चेला से कुछ बाबा ने मंगाया तो चेला यहाँ से लेकर वो बाबा के पास जाते हैं तो ये वाला सीन कुछ इस तरीके से मैंने शूट किया देख सकते हैं छोटे छोटे क्लिप में कैसे उठ रहे हैं हर एंगल से मैंने शूट किया देख सकते हैं एक एक क्लिप को मैंने शूट किया यहाँ पे ताकि हमारा जो वीडियो है एक अच्छा प्रो, प्रोफेशनल टाइप का लगे कॉमेडी ठीक है अब उसके बाद से चेला जो है बाबा के पास ही इस तरीके से जाते हैं तो मैं कुछ इस तरीके से सीन लेता हूँ रोड का सीन लेता हूँ ताकि लोगों को लगे कि हाँ बाबा के पास ये चेला दूर से कहीं से आ रहा है ठीक है फिर मैंने कुछ इस तरीके से सीन लिया ये बंदा भूल जाता है कि बाबा का मठ जो है कहाँ पर है तो पता चलता है कि हाँ यही है तो ये कुछ इस तरीके से एक्टिंग करता है फिर पीछे से कुछ इस तरीके से सोट लेते हैं फिर आगे से कुछ इस तरीके से सोट लेते हैं ऐसा लगे कि हाँ ये चेला जो है किसी रास्ते से आ रहा है दूर से आ रहा है ठीक है फिर उसके बाद से चेला जब आ जाता है तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं ठीक है कुछ इस तरीके से चलते हुए रिकॉर्डिंग करते हैं देख सकते हैं वायर भी दिख रहा है आप लोगों को उसके बाद से ये ये वाला यहाँ पे चेला जो है अपना काम कर देता है फिर बाबा चेला को बोलते हैं कि वापस चले जाओ ये वाला सूट कर लिया उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जब बाबा जो है अपने चेले के पास देते हैं जो भी भभूत था उसको देने वाले थे तो वो सीन शूट किया कि बाबा कैसे भभूत को अपने हाथों से देने वाले हैं ठीक है फिर उसके बाद से चेला को बोलते हैं कि हाँ ये वो मतलब ये आप लो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से फिर बाबा वो भभूत उठाते हैं और चेले को कुछ इस तरीके से मंत्र पढ़ के वो देते हैं देख सकते हैं कुछ इस तरीके तो इस तरीके से हम एक एक क्लिप को शूट किए हैं फ्रेंड देख सकते हैं हर एक एंगल से आपको शूट करना है जिसका जो रोल है जो अपना रोल निभा रहा है काम कर रहा है बोलने वाला जो है उसका पहले शूट कीजिए क्लोजअप से कीजिए थोड़ा अलग एंगल से कीजिए बाएं साइड से कीजिए सामने से कीजिए बैक से कीजिए ऊपर से जब शूट है उसको ऊपर से कीजिए मतलब हर एक एंगल से आपको देखना है किस एंगल से ये जो वीडियो शूट करेंगे तो अच्छा आने वाला है ठीक है तो मैंने सब ये जो क्लिप है फ्रेंड्स सारा क्लिप जो है इसी तरीके से शूट किया और लास्ट में हम लोगों ने इंडिंग किया तो वो वाला क्लिप मैंने शूट कर लिया ठीक है ये तो मैंने क्लिप शूट किया वो तरीका है ठीक है कैसे शूट किया और सभी के पास माइक जो है ना फ्रेंड्स कॉलर में लगा देते थे, थे वायर को लंबा कर देते थे हम दूर चले जाते थे, थे और वहाँ पे जाके अपनी वीडियो को शूट कर देते हैं ठीक है इस तरीके से ठीक है अब करने के बाद से हमारा वीडियो था वीडियो जो है फ्रेंड्स बन गया था ठीक है पूरा कम्प्लीटली बन गया था तो अब मैंने क्या किया यहाँ पर अब प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे आपको एडिट करना है ठीक है ये तो सारा कम्प्लीट हो गया यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं अब क्लोज करने के बाद से फ्रेंड्स मैं बी एन एफ का यूज़ करता हूँ बी एन एफ़ से हम अपनी ब्लॉग वीडियो को कॉमेडी वीडियो को फनी वीडियो टेक्ट वीडियो सभी वीडियो को हम प्रो लेवल तक की एडिट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बी एन एप ओपन करता हूँ ठीक है इसकीप कर देता हूँ यहाँ पे मैं ऑलरेडी एडिट करके यहाँ पे रखा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए और आप समझ भी लें कैसे एडिट किया जाता है अब इसमें म्यूजिक कैसे लगाना है ठीक है फ्रेंड्स आपको कॉमेडी वीडियो टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो बहुत सारा म्यूजिक सुनाई देगा ठीक है आप उस म्यूजिक को सुन लीजिएगा और फिर आपको बहुत सारा जगह मिलता है बहुत सारा साइड से आपको म्यूजिक मिल जाता है वहाँ से उस म्यूजिक को ले लीजिएगा ठीक है और उसके बाद से फ्रेंड्स मैंने सेम वही प्रोसेस किया अब देखिए मैंने जो देख सकते हैं छोटे छोटे क्लिप हैं कोई चार सेकंड का है कोई दो सेकंड का है कोई तीन सेकंड का देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग ये है उसके बाद से ये वाला तो आपको वहीं से इस एडिटिंग में लाना है जहाँ से आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था और जहाँ आपका ख़त्म हुआ एक एक पार्ट लाइन बाय लाइन करके लाना है जैसे कि मैंने पहले ये रिकॉर्ड किया था उसके बाद ये वाला उसके बाद से ये वाला ऐसे करके सभी क्लिप को लाना है और फिर यहाँ पे फ्रेंड्स सॉरी <coughs> फ्रेंड आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है जो भी क्लिप है आपको मैच कराना जैसे ये पहला पार्ट है ये दूसरा पार्ट है ऐसा लगे कि हाँ ये मैच हो रहा है एकदम सेम टू सेम मैच हो रहा है लगे कि हाँ ये भाई की रिकॉर्डिंग ऐसे हुई है कि लग रहा है कि हाँ ये फिल्म जैसा है ये या रियल में सच में यार एकदम कॉमेडी जैसा प्रो लेवल का है इस तरीके से आपको मैच करा लेना ताकि अच्छा लगे जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से हर एक क्लिप को हमने जो फालतू पार्ट था क्लिप में मैंने उसके काट के हटा दिया और फिर मैच करा के इसको यहाँ पे सेट किया मैं प्ले करके यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके बाबा के पास जाते हैं कुछ इस तरीके बाबा नहीं। 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 पे पे म्यूजिक था कहीं पे हंसने वाला म्यूजिक था कहीं पे बीप था कहीं पे मतलब हर एक टाइप का कहीं बम का जो साउंड होता है वो था मतलब हर एक जगह पे देख सकते है सब साउंड है म्यूजिक है और मैं बता रहा हूँ सॉरी मैं जो भी म्यूजिक यूज़ किया हूँ फ्रेंड्स सारा म्यूजिक हम उसी जगह पे हम यूज़ करेंगे जहाँ पे लगे कि हाँ यहाँ पे म्यूजिक लगाने से हमारी वीडियो और अट्रैक्टिव हो जाएगी उसमें और मज़ा आएगा ठीक है तो वहीं पे आपको म्यूजिक को लगाना है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बीच में यहाँ पे खाली है लेकिन यहाँ पे आपको म्यूजिक एक कलर वाला जो दिख रहा है ये म्यूजिक है तो जहाँ पे जो म्यूजिक सेट कर रहा है वहीं पे म्यूजिक लगा लेना होता है ठीक है और सारे क्लिप को आपको लाइन बाय लाइन सेट कर लेना होता है जैसे कि मैं ये वीडियो जो है पूरा एडिट कर लिया हूँ इसको सेव भी कर दिया हूँ ठीक है तो ये वीडियो किस तरीके का बना है मतलब फाइनली ये वीडियो एडिट करने के बाद से किस तरीके का आया है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता। देख सकते हैं मैं आपको थोड़ा और आगे तक भगा कर इस तरीके से दिखाऊँ सो so, इस तरीके से शूट करना है रिकॉर्ड करना है और आउटपुट इस तरीके से आएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को देखना चाहते हो कि कैसे ये वीडियो किस तरीके का शूट बना है कैसा लग रहा है वीडियो देखने में तो फ्रेंड्स इस ये जो वीडियो है हमारे ब्लॉग चैनल पे अपलोड हो चुका है उसका देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल में हमने मेंशन कर दिया है इस लिंक पे आप क्लिक करके वहाँ पे जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि जो कॉमेडी वीडियो है कैसे शूट किया जाता है कैसे रिकॉर्ड किया जाता है किस तरीके से रिकॉर्ड कर यानी रिकॉर्ड करने के बाद से किस तरीके का आउटपुट यानी वीडियो बनने के बाद देखने को मिलता है ठीक है तो वहाँ से आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा सो so, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही मतलब अच्छा लगा हो समझ में आ गई हो कॉमेडी वीडियो कैसे शूट किया जाता है वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से और फ्रेंड्स इस कॉमेडी वीडियो को बना के आप लाखों रुपया घर बैठे आराम से कमा सकते हैं आपको कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा अपने गाँव में ही अगल बगल लोकेशन सेलेक्ट करके वहाँ पर वीडियो शूट कर लेना है सिंपल ठीक है सो दोस्तों तो तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना शेयर करना कमेंट एक प्यारा सा जरूर कर देना मोटिवेट करने के लिए और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम